पूर्वांचल और बुंदेलखंड में अपना जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी अब पश्चिम में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। वो भी राजभर और कई अन्य छोटे दलों से गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जनपदों में बड़ी बड़ी रैलियां कर सत्ताशीन भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है। अखिलेश यादव की रथ यात्रा में उमड़ रही भीड़ से भाजपा में बेचैनी देखने को मिल रही है। जब सपा मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम में रालोद मुखिया जयंत चौधरी के साथ बड़ी रैली कर शक्ति प्रदर्शन का मुजाहिरा करेंगे। 7 दिसंबर को मेरठ के दथुआ में होने वाली सपा रालोद की पहली गठबंधन की रैली की तैयारियों का जायजा लेने आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मेरठ पहुंचे। इस रैली को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। समाजवादी के नेताओं का दावा है कि लाखों की तादाद में इस रैली में लोग पहुंचेंगे। ये रैली नहीं रेला होगा। नरेश उत्तम अगले 3 दिनों तक मेरठ में रहकर रैली की तैयारियों में हिस्सा लेंगे। वही सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि रालोद और छोटे छोटे दलों के आने से प्रदेश में भारी परिवर्तन की उम्मीद है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए जुमलेबाजी करते हैं, जो विभाग दिया है उसकी चिंता नहीं है। सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, सड़कों में गड्ढे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई किसानों की परेशानी है और समस्या पर बात नहीं करते, सिर्फ जुमले फेंकते रहते हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसानों, महंगाई, भ्रष्टाचार की फसलों की लूट, महंगाई मुद्दों को लेकर चुनाव होगा। अभी हम आज अभी आए हैं अपने पार्टी के सभी नेताओं से और गठबंधन के लोगों से बात करेंगे कि हमारी क्या तैयारी है और उनकी समीक्षा करके बोलेंगे। पूरा फायदा है, पूरा फायदा है, पूरे प्रदेश में फायदा है। और जो भी छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं उनसे भारी परिवर्तन की उम्मीद है। अच्छा अध्यक्ष जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट हलचल मचाए हुए है कि अयोध्या काशी के बाद अब मसला, क्या कहना है? ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए जुमले फेंका करते हैं। इनको जो विभाग दिया है उस विभाग की चिंता नहीं है। सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं, उसकी चिंता नहीं है इन महोदय को। और समाज में इस तरीके की जुमलेबाजी करके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसलों की लूट, नौजवानों के साथ रोजगार की परेशानी की बात नहीं करते हैं और जुमले फेंकते रहते हैं। क्या लगता है इस चुनाव में 2022 के मंदिर मुद्दा दोबारा से आने की संभावना है बीजेपी? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसल की लूट और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट पर मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा। 7 तारीख को मेरठ जिले में परिवर्तन रैली होना है और उस रैली की तैयारी के लिए भी हम आए हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग भाजपा सरकार से बेहद दुखी हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबके साथ धोखा किया, सबके साथ छलावा किया, जिससे पूरे प्रदेश बीजेपी के विरुद्ध बहुत आक्रोश है, जनता का गुस्सा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पक्ष में पूरे प्रदेश के गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, छात्र, नौजवान सभी आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री यादव जी की तरफ देख रहे हैं कि वो जल्दी समय आए और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा पर भीड़, जनता, किसान, मजदूर, नौजवान सब इकट्ठे हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबरा रही है और तरह तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाने का काम कर रही है। सामाजिक समरसता को भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है। इनके बड़े पदों में बैठे हुए लोग सामाजिक विषमता बढ़ा रहे हैं और सामाजिक समरसता को कमजोर कर रहे हैं। पूरा प्रदेश महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बिगड़ी हुई चिकित्सा व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से बहुत परेशानी पर है। इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी संयुक्त रैली करने जा रहे हैं 7 तारीख को। रैली बहुत ऐतिहासिक होगी, आप सभी का सहयोग चाहिए और पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है।